नमस्कार दोस्तों आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स में मैं अरुण भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं कैसे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे तंदुरुस्त होंगे सेफ होंगे और अच्छा कर भी रहे होंगे तो दोस्तों ये आप मेरे पास ये देख रहे हैं ये देखिए ये कुछ बॉल्स वगैरह टैप से लग रहे हैं और अगर देखा जाए तो ये कंचे टैप से लग रहे हैं अगर ठीक है तो अगर आज हम बात करें तो मेरे पास ये जो बॉल्स हैं ये है बेसिकली एंटी स्केले बॉल और जो हमारे आर सर्विस इंजीनियर भाई हैं जो आर रिपेयरिंग वगैरह का सारा काम करते हैं तो उन्हें तो ये आइडिया रहता है कि भाई ये एंटी स्केलेंट बॉल क्या चीज़ होती है किस काम में आती है लेकिन अगर नए व्यूवर हैं या जिन्हें इस बारे में नॉलेज नहीं है कि ये एंटी स्केलेंट बॉल क्या काम करती है और इसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं तो उनको आज मैं सारी जानकारी दूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हेल्पफुल रहेगी वीडियो तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें जहाँ तक आर वाटर प्योरिफायर की हम जो आर वाटर प्योरिफायर यूज़ करते हैं तो आर वाटर प्योरीफायर में ये एंटी एंटीस्कैलेंट बॉल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है और यूज़ वो इसलिए किया जाता है कि आर में जैसा कि आप जानते हैं कि आर में फिल्टर्स वगैरह रहते हैं जहाँ से पानी छन के आता है लेकिन उन फिल्टर्स में से भी एक मेन फिल्टर रहता है जिसे हम बोलते हैं आर का मेम्ब्रेन मेन फिल्टर ये रहता है जो कि पानी का टेस्ट चेंज करता है पानी अगर हाई टी है हाई टी को ये लो टी में लेके आता है अब कई बार क्या रहता है कि हमारा ये जो आर ओ फिल्टर है जस्ट एक कंज्यूमेबल आइटम है कंज्यूमेबल आइटम मतलब हम जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे ये चौक होता जाएगा और इसकी लाइफ ख़त्म होती जाएगी और एक स्टेज पे आके ये काम करना बंद कर देता है लेकिन कुछ रीज़न और भी रहते हैं कंज्यूमेबल आइटम के साथ साथ मान लो हमने इसी ज़्यादा कंज्यूम भी नहीं किया है इससे हमने ज़्यादा फिल्टर करके पानी नहीं भी लिया है तो कई बार हम जो पानी यूज करते हैं जो हमारा आर पानी का सोर्स है मतलब जो हमारा आर यूनिट में पानी फिल्टर के लिए जा रहा है उस पानी में क्या होता है कुछ ज़्यादा सिलिका वगैरह रहता है अगर हम बात करें एक तो होता है नमक वगैरह नमक चलो एक अलग चीज़ है लेकिन नमक के अलावा भी और सी बहुत सी चीजें रहते हैं जैसे कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम वगैरह या सिलिका वगैरह सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है और उससे क्या प्रॉब्लम क्या आती है ये हमारी ये जो मेम्रेन आप देख रहे हैं ना ये आप वाइट कलर की जो लेयर वगैरह देख रहे हैं इस टाइप से वाइट लेयर जमना शुरू हो जाता है या आपने भी अगर नोट कभी किया हो या आपके जो आ, किचन में या वॉशरूम वगैरह में जो टैप्स वगैरह हो होते हैं वो वाइट कलर के हो जाते हैं व्हाइट कलर के क्यों हो जाते हैं क्योंकि इसमें स्किलिंग ज़्यादा होती है और स्किलिंग वो, वो इसलिए होती है कि उसमें सिल्का की आ, मात्रा जो रहती है या कैल्शियम बाइकार्बोनेट या जो भी सारी चीजें रहती हैं उस वजह से ये चोक हो जाती है तो उसका असर हमारी इस मैमब्रेन पर भी पड़ता है जहाँ हमारी मैमब्रेन नॉर्मल पानी पे टी वी एस एक अलग चीज है टोटल डिजल सॉल्ट एक अलग चीज़ है या नमक पानी एक अलग चीज़ है लेकिन अगर सिलिका की मात्रा अगर हमारे पानी में ज्यादा रहती है तो वहां ये मैमब्रेन जल्दी चौक हो जाती है कंपेयर टू नॉर्मल वाटर जहां सिलिका की क्वांटिटी कम रहती है ठीक है अब ये मैमब्रेन जो चोक हो जाती है तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारी मैमब्रेन जो है कुछ ज्यादा टाइम पीरियड चले या मान लो जहां हमारी मैमब्रेन छह महीने में चौक हो जाती है वहीं हम चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए क्योंकि देखिए मैमब्रेन एक कॉस्टली पार्ट होता है और फ्रीक्वेंटली आदमी आम आदमी नहीं चेंज करवा पाता है लेकिन अगर जल्दी जल्दी ये खराब होती है तो आदमी परेशान होता है तो वो ऐसा कोई सोल्यूशन ढूंढता है कि भाई ये चोक ना हो इसके कई तरीके बताए हैं हमने जिससे कि आप इसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं कि भाई आटो फ्लश लगा लो जिसके साथ की मैमर साथ के साथ डेली इसकी क्लीनिंग होती रहती है और इसमें स्किलिंग होने नहीं देती है उसके अलावा भी हमने बताया है कि आटो फ्लश ना लगा के आप मैनुअल फ्लश भी लगा सकते हैं लेकिन इन दोनों के अलावा भी एक और टम्प्रेली जुगाड़ जिसे हम कहते हैं टेम्परेली क्या कहें परमानेंट ही जुगाड़ है अगर आप इसे यूज करते हैं तो वो कारगर रहता है वो जुगाड़ ये रहता है कि ये एंटी स्केलेंट बॉल अब जैसे नाम से हमें पता चलता है एंटी स्केलेंट बॉल मतलब ये उसके विपरीत होती हैं स्केलिंग नहीं होने देती हमें पानी में तो इन बोल्स वगैरह का आप यूज कर सकते हैं हमारी खासतौर हमारे आर ओ मेम की लाइफ बढ़ाने के लिए जो स्केलिंग होती है वो स्केलिंग की दिक्कत जो है वो दूर हो जाती है अब इसे यूज कैसे करना है ये तो हमें पता चल गया कि स्केलिंग क्यों होती है उसका क्या तोड़ है हम क्या कर सकते हैं कि स्केलिंग ना हो और किस पानी पे हमें ये लगाना चाहिए अगर वाइट लेयर अगर जम रही है तो स्पेशली आप देख सकते हैं ये इस टाइप की वाइट लेयर अगर मेमरी में जमती है तो वहां तो मैं आपको जरूर सलाह दूंगा कि आपको ये एंटी स्केलेंट बॉल लगानी चाहिए अब ये लगाने किस टाइप से होती है देखिए हमारे जो ज्यादातर आर सिस्टम होते हैं उसके साथ हमारी एक प्री फिल्टर बाउल लगी होती है मतलब एक प्री फिल्टर लगा होता है आर ओ यूनिट के बाहर एक वाइट कलर की बेसिकली बोटल होती है उस बोटल के अंदर हमारा इस टाइप से इससे हम स्पन फिल्टर बोलते हैं ये डस्टमट पार्टिकल्स वगैरह ये फिल्टर दूर करता है ठीक है अब हमें करना क्या होता है उस बोटल के अंदर ये कुछ गोलियां जो रहती हैं मेरे पास फिलहाल अभी ये चार गोलियां हैं मैं आपको दिखाऊंगा ये इस टाइप की कुछ गोलियां आपको इस टॉप तक भर देनी चाहिए या यूं मान के चलिए ग्यारह बारह गोलियां आपको इसके अंदर इस टाइप से ऐसे डाल देनी है उस फिल्टर के अंदर ठीक है इस टाइप से डाल दी पूरा टॉप तक नहीं भरना है थोड़ा सा आपको स्पेस खाली रखना है ठीक है अब इस टाइप सी गोलियां अगर हम डाल देते हैं अब जैसे मैं आपको दिखाऊं मेरे पास फिलहाल एक ये बोतल है ये बोतल मान लो हमारे इसके अंदर हमने ये फिल्टर ऐसे हमारा फिट है ठीक है अब इस फिल्टर के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ये कुछ गोलियां हमने ऐसे डाल दी ठीक है ऐसी गोलियां हमने इसके अंदर भर देनी है ये ऐसे भर दी ये ऐसे भर मान लो इस फिल्टर के हमने ऐसी गोलियां भर दी और भरने के बाद हमने जितनी गोलियां आ जाए मतलब थोड़ा सा खाली जरूर रखना है स्पेस हमें आठ एक डेढ़ इंच का ऊपर से हमें इस टाइप का अगर कोई हमारे जैसे ढक्कन है तो उसे हमने ऐसे टाइट कर दें टाइट करके ये रहता है कि हमारा जो भी पानी उस फिल्टर से होके आएगा मेरे पास ये फिलहाल अभी नया फिल्टर है मैंने पुराना फिल्टर नहीं लगाया है या आपको एक पुराना फिल्टर भी दिखाता हूँ इसकी ये फिल्टर मान लो ये हमारी बोतल के अंदर है हमने इस टाइप से गोलियां इसमें डाल दी और ऊपर से ढक्कन को टाइट कर देना उससे ये रहेगा कि हमारा जो भी पानी फिल्टर होके आएगा प्री फिल्टर से जो भी पानी फिल्टर होके आएगा वो इन गोलियों से होता हुआ आएगा और पानी में इसके जो गुण एंटी स्केलेंट वाले जो गुण है वो आ जाएंगे और जब मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा तो उसमें वो स्केलिंग नहीं होने देगा मैम की लाइफ बढ़ जाएगी ये तो ही बात हमारी एंटी स्केलेंट बॉल्स वगैरह की है अब हमें ये ध्यान रखना है जिससे भी हम ये बॉल्स वगैरह ले उससे स्पेशली ये कह के लेना है हमें बॉल्स वगैरह कि हमें क्योंकि ऐसी डुप्लीकेसी भी बहुत सी आती है हमें कह के लेना है कि हमें घुलने वाली एंटीस्केलेंट बोल्स चाहिए कई बार हमने देखा है कि लोकल बॉल्स वगैरह यूज़ करते हैं उसमें ये घुलती नहीं है ठीक है तो स्पेशली ये कंफर्म कर लें कि जेनुअन बोल्स वगैरह होनी चाहिए ये एंटी स्केलेन ही होनी चाहिए और घुलने वाली होनी चाहिए ये गोलियाँ हमने इसके अंदर डाल दी तो उसकी है कि हमारी मेम्ब्रेन जो है छह महीने में चोक होती है तो इतना तो यह है कि कंफर्म है हम अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि साल सवा साल उसकी लाइफ रहेगी बढ़ेगी बढ़ेगी ठीक है ये हमने अब डाल दी अब कई बार ये होता है कि हमारे पास ऐसा फिल्टर नहीं है तो उस कंडीशन में मान लो हमारे इस टैप का नौ इंच का एमएलटी फिल्टर है तो उसमें भी हमें ये करना है कि इस टेप से बोलियां ऐसे डाल देनी है और इसे टाइट कर देना है ये भी हमारा प्री फिल्टर के टाइप में यूज है दो टाइप के प्री फिल्टर रहते हैं ना एक इस टाइप का हो गया उस वन फिल्टर हो गया दस इंच में एक नौ इंच में ऐसा फिल्टर रहता है अब इसके अपोजिट भी एक और चीज रहती है, है ये तो हमारी गोलियों की बात हुई एक आता है हमारा ये एंटी स्केलेंट कैप्सूल मार्केट में इस टाइप का डोमेस्टिक कारों के लिए इंडस्ट्रियल आर जो होते हैं उनके लिए एक अलग प्रोसेस रहता है लेकिन डोमेस्टिक कारों में इससे भी हम यूज कर सकते हैं ये देखिए ये एंटी स्केलेंट बोल का ये कैप्सूल रहता है एक और ये ब्रांड ई ए ब्रांड है और ये भी एंटी का ही काम करते हैं अब इसमें ये रहता है कि गोलियां ना रह के इसमें छोटे 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 इसमें टाइप के जो हैं और इसे भी अगर हमें यूज करना है तो इस टाइप से हमें इसमें इंसर्ट कर देना है इस टाइप से हमें इंसर्ट कर देना है और फिर ऊपर से फिल्टर लगा देना है और इसका कैप लगा देना है बोटल का और इसे टाइट कर देना है उसमें भी ये रहेगा कि जो भी पानी हमारा फिल्टर होके आएगा वो इन्हीं एंटी एंटीस्किल गोलियों से होके आएगा और हमारी मैम्रेन जो चौक जाती है और उसमें भी हमारे इसके गुण आएंगे एंटी स्केलिंग वाले पानी के अंदर अब ये तो हुआ चलो जी ठीक है हमारे यहाँ प्री फिल्टर लगा हुआ है तो हमने ये उसमें ये कैप्सूल लगा दिया और प्री फिल्टर के अंदर चलो कैप्सूल ना मिला तो हमें ये बोल्स वगैरह लगा दी लेकिन कुछ आर ओ हमने ज्यादातर ऐसे देखे हैं उन आर में क्या है कि प्री फिल्टर नहीं लगा रहता है तो उस कंडीशन में हम इन्हें कैसे यूज करें अब ये भी सवाल आते हैं सभी ज्यादातर हमने ये देखा कि सभी कंपनियां जो है आ, प्री फिल्टर नहीं देती हैं कुछ विदाउट प्री फिल्टर भी चलती हैं तो उसमें हमें ये करना है अगर आप ये लगवाना चाहते हैं जी देखिए तो तो आपको एक प्री फिल्टर जरूर लगाना चाहिए उसमें फायदा ही रहता है ना हमारी मेमने की लाइफ भी बढ़ती है हमारे आरू यूनिट की लाइफ भी बढ़ती है तो स्पेशल तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको एक प्री फिल्टर नहीं लगा हुआ तो लगा लेना चाहिए ठीक है और अगर नहीं भी लगाओ नहीं भी लगाना चाहते तो हमारा कुछ इस टाइप से ही एक पूरा या जो आप ब्रांडेड कंपनी का अगर मैं एक गार्ड कंपनी की बात करूं तो उसमें भी ये रहता है कि इस टाइप की इतनी लगभग नौ दस इंची बड़ी एक एंटी एंटीस्केलेन की कैंडल रहती है जिसमें कि इस टाइप से ग्राइनर्स वगैरह जो भी चीज रहते हैं तो उसमें ये रहता है कि पाइप इन और आउट रहता है और वो भी उसी का काम करते हैं उसके बाद भी हो कि फिल्टर होकर हमारा पानी मेम्ब्रेन तक पहुंचता है तो ये उस कंडीशन में हम इसे यूज कर सकते हैं ये नहीं यूज होगी उसमें फिर इस टाइप से कैंडल रहती है ये तो थोड़ी आप इसकी मोटाई जो आप देख रहे हैं वो ज्यादा मोटी कैंडल लेकिन वो थोड़ी पतली कैंडल रहती है जो कि पूरी कैंडल ही एंटी स्केलेंट बोल की रहती है कुछ इस टाइप से ये तीन चार इंच की है वो लगभग आठ दस इंच की होती है उसमें इन और आउट से पानी फिल्टर होकर उसमें चला जाता है तो बस आज की वीडियो में यही चीज आपके साथ शेयर करनी थी क्योंकि कई हमारे पास आप लोग कमेंट बड़े आते हैं कि भाई मेम्ब्रेन का कुछ तोड़ बताइए कि मेम्ब्रेन जल्दी चौक हो जाती है या ऑटो फ्लस लगाते हैं तो ऑटो फ्लस भी कई बार बहुत जल्दी खराब हो जाता है तो कुछ ऐसा बताया जाए कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उनके चक्कर में ना पड़ा जाए और एक अच्छी कारगर चीज हो जिससे कि हमारी मेम्ब्रेन की लाइफ बढ़े तो आप ये एंटी स्केलेन बोल्स वगैरह आप यूज कर सकते हो जिससे कि मेम्ब्रेन की लाइफ बढ़ेगी हंड्रेड बढ़ेगी आप इसे यूज करो और बस आज की वीडियो में इसने उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने जानकारी दी आपको पसंद आई होगी अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो आपको बार बार कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके काम का चैनल है तो आपको ऐसी वीडियो रोज मिलती रहेंगी और जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा तो उसके लिए आपको बेल आइकन जरूर दबाना है और बस थैंक फॉर वॉचिंग